नमस्कार, लीगली स्पीकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा मिश्रा। आज हम बताएंगे कैश फॉर जॉब स्कैम मामले में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनकी रिहाई की मांग की गई थी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया है। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने यह आदेश बालाजी और उनकी पत्नी एएस मेघाला द्वारा दी गई, जिसे दो याचिकाओं में पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बुधवार को 2 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने मंत्री को रिहा करने के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद बालाजी और उनकी पत्नी को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जहां उनकी पत्नी ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने तमिलनाडु परिवहन विभाग के भीतर ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों की भर्ती के साथ साथ बस कंडक्टरों के चयन के लिए भी पैसे लिए थे। और आपको बता दें, ये नियुक्तियां 2011 और 2015 के बीच AIADMK सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान निष्पाषित की गई। सत्र अदालत द्वारा रिमांड के बाद बालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि कैद में रखने के बजाय उन्हें एक निजी अस्पताल में हस्तांतरित कर दिया गया है, जहां उनकी बाईपास सर्जरी की गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह लीगल न्यूज की अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।